महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और तमाम नए मंत्रियों के साथ जनता दरबार में उपस्थित हैं। जनता की फरियादों को सुन रहे हैं। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, बैरिकेडिंग पूरी तरह से की गई है कि कोई भी जो व्यक्ति है, मतलब फालतू व्यक्ति है, वो अंदर प्रवेश ना कर सके। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है सिर्फ उन्हीं की अनुमति होगी, और उसके साथ ही अधिकारी और मंत्री जो हैं बस सिर्फ वही लोग जा सकते हैं, और जो भी लोग अंदर जा रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं पूछताछ करने के बाद उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। लेकिन कई लोग जो हैं, जो कई फरियादी हैं, वो जनता दरबार के बाहर हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की उम्मीद लगा कर बैठे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मांगे हैं उनकी, क्यों यहाँ बाहर बैठे हैं, और क्या उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या? हम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और मेरा घर पड़ता है विभूतिपुर थाना। क्या मामला है मुख्यमंत्री से मिलने? मेरा मामला है कि हत्या के संबंध में, मेरा बेटा का हत्या किया है भूतिया। हम नहीं थे, हम दानापुर में थे, माँ बेटा दोनों। वो दोनों, एक लड़का मेरा डॉक्टर है, बेटी मेरी डॉक्टर है, और वो लड़का इंजीनियर था। मेरे संपत्ति के लेकर के साल भर से उन लोग ने है अपना दोस्ती बना लिया। अकेला पा करके 2017 में 21 फरवरी को उसने देह में उसको आग लगा दिया, जला करके। फिर उसके बाद वहाँ के आदमी आया, पटना में भर्ती किए, दिल्ली सफदरजंग ले गए। वहाँ उसने 26 तारीख को 2:50 में दम तोड़ दिया। हम केस किए जाके विभूतिपुर थाना, टोला नहीं, एजुकेशन। तब उसके बाद हम रोस्टा कोर्ट में गए, फिर वहाँ से भेजा गया, केस मेरा दर्ज हुआ 57-18। वहाँ पर जाके वहाँ के जांच पड़ताल किया और साथ में गवाह भी ले लिया। वो जो है चार्जशीट आज तक नहीं भेजा। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में जा कर के DSP के यहाँ, SP के यहाँ, सबके यहाँ एप्लीकेशन दिए, लेकिन थाना जो है विभूतिपुर का थाना, वहाँ चार्जशीट कोर्ट को नहीं भेज रहा है अभी तक। क्या लगता है, वो कुछ घूस वगैरह खाया? हाँ, उसके मेरे प्रॉपर्टी में पैसा है तो भी, तो उसको भी तो है हकदार, वो बेच बेच के पैसा थाना को देता है। और कुछ दबाव जो है सो वहाँ का विधायक राम बालक का है, समझे ना, तो राम बालक तो अभी ख़त्म हो चुका है। लेकिन मेरा जो है सो चार्जशीट नहीं भेजा, हमको इंसाफ चाहिए। मेरा जवान लड़का इंजीनियर बन गया, हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर कायदा कानून है, इंसाफ है कोर्ट कचहरी में, तो इंसाफ चाहिए, बस इतना ही चाहिए। अकेला पा करके 2017 में 21 फरवरी को उसने देह में उसको आग लगा दिया, जला करके। फिर उसके बाद वहाँ के आदमी आया, पटना में भर्ती किए, दिल्ली सफदरजंग ले गए। वहाँ उसने 26 तारीख को 2:50 में दम तोड़ दिया। हम केस किए जाके विभूतिपुर थाना, टोला नहीं, एजुकेशन। तब उसके बाद हम रोस्टा कोर्ट में गए, फिर वहाँ से भेजा गया, केस मेरा दर्ज हुआ 57-18। वहाँ पर जाके वहाँ के जांच पड़ताल किया और साथ में गवाह भी ले लिया। वो जो है चार्जशीट आज तक नहीं भेजा। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में जा कर के DSP के यहाँ, SP के यहाँ, सबके यहाँ एप्लीकेशन दिए, लेकिन थाना जो है विभूतिपुर का थाना, वहाँ चार्जशीट कोर्ट को नहीं भेज रहा अभी तक। क्या लगता है, वो कुछ घूस वगैरह खाया? हाँ, उसके मेरे प्रॉपर्टी में पैसा है तो भी, तो उसको भी तो है हकदार, वो बेच बेच के पैसा थाना को देता है। और कुछ दबाव जो है सो वहाँ का विधायक राम बालक का है, समझे ना, तो राम बालक तो अभी ख़त्म हो चुका है। लेकिन मेरा जो है सो चार्जशीट नहीं भेजा, हमको इंसाफ चाहिए। मेरा जवान लड़का इंजीनियर बन गया, हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर कायदा कानून है, इंसाफ है कोर्ट कचहरी में, तो इंसाफ चाहिए, बस इतना ही चाहिए। मंत्री से उम्मीद है कि हम क्या समझे उसको, जाने के बाद ना कुछ कहें। मेरा बेटा BJP का नेता था, समझे ना, मेरे पति भी थे, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, सीताराम केसरी जो थे ना उसके लंगोटिया दोस्त थे, दानापुर के हम बेटी हैं। लेकिन मेरे साथ ये सब हो रहा है, मेरे समस्या को समाधान कराइए आप लोग। फरियादी हैं जिनके पुत्र की जो है जलाकर हत्या कर दी गई, और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंची हैं, और जो रो रो कर जो अपनी आप बीती वो
हमारे कैमरे के सामने कह रही हैं, और उनका सीधा कहना है कि जो कोर्ट है, जो पुलिस है, उसने पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है, और अब जो उम्मीदें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों की उम्मीदों पर खरा कैसे उतरते हैं, क्योंकि अब सरकार भी बदल गई है, महागठबंधन की सरकार आ गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो उम्मीदें हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अब इन उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे ये देखना होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एसजी न्यूज़ के साथ, और देखते रहें एसजी न्यूज़।